हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको आज ऐसी तीन खतरनाक मोबाइल की सेटिंग बताने वाला हूं जिससे कि आपका फ़ोन पहले की तरह बिल्कुल तेज चलने लगेगा। अगर आपका फ़ोन पुराना हो चुका है तो आप भी उन तीन सेटिंग्स को ऑन करके अपने फ़ोन को तेज कर सकते हैं। चलो आइए, हम किसी बिना किसी का समय बर्बाद करते हुए चलते हैं उन तीन सेटिंगों की तरफ। सबसे पहले हम जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग में, उसके बाद हम जाएंगे अबाउट में फ़ोन के, उसके बाद हम जाने वाले हैं इस पर बिल्ड नंबर पर। उसके बाद हम इस पर बिल्ड नंबर पर नोबर टाइप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पर हमें इसे हम नोबर टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाता है, एक मतलब मोड अवेलेबल हो जाता है, डेवलपर ऑप्शन, एक सेटिंग ऑन हो जाती है जो कि हिडन हुई होती है। मेरे ये पहले ही ऑन हो चुकी होती है तो इसलिए इस पर लिखा हुआ आया होता। तो अब चलते हैं हम बैक, फिर जाते हैं हम अपने मोबाइल की सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग। उसके बाद देखो आप जब इस यहाँ पर स्लाइड करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप डेवलपर ऑप्शन लिखा हुआ है, ये सेटिंग ऑन हो चुकी है, पहले नहीं थी। उस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये मेरा बंद था, मतलब ये बंद था, ये मैंने ऑन कर रखा है तो ये हमेशा ऑन ही रहता है। उसके बाद हम जाएंगे, नीचे जाएंगे, स्लाइड करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग लिखा हुआ है, उसके नीचे आप देखोगे ये विंडो एनिमेशन स्केल, इसमें आपको क्लिक करना है और जो एनिमेशन स्केल 1 गुना हुआ है इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल, इस पर क्लिक करना है, ये भी 1 गुना हुआ है, इसको भी ऑफ कर देना है। उसके बाद तीसरा एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, इस पर भी क्लिक करना है और इसको भी ऑफ कर देना है। जब मैंने ये तीनों ऑफ़ किए तो आपने देखा होगा ये कितना जल्दी वर्क कर रहा था, बिल्कुल फटाफट बैक हो रहा था। उसके बाद अब देखिए गाइस, हम इसको बैक करते हैं, बैक किया, देखो कितनी स्पीड में बैक हुआ। उसके बाद एक बार और फिर बैक करेंगे, ये कितना स्पीड में बैक हुआ। उसके बाद हम इसको होम स्क्रीन पर ले जाते हैं, बिल्कुल बैक हो चुका है। अब देखो, अब मैं इसको पूरा रिफ्रेश करता हूँ बिल्कुल स्पीड में। गाइस कुछ भी करो, ये नेट वाला है तो इसलिए इंटरनेट से चलता है, कोई भी देखो ये कितनी जल्दी ऑन होता है, ये बैक कितनी जल्दी हो रहा है ऑन स्क्रीन, ये हुआ। उसके बाद बैक किया, देखो कितनी जल्दी हुआ। उसके बाद अब इसको रिफ्रेश करेंगे, बिल्कुल कितनी स्पीड में रिफ्रेश हो गया।